अफ्रीकी देश अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस के बोफारिक एयरपोर्ट के पास बुधवार को सैन्य विमान क्रैश हो गया, जिसमें करीब 257 लोग मारे गए। अधिकारियों की माने तो उड़ान भरने के तुरंत बाद ही विमान दुर्घटना का शिकार हो गया और एयरपोर्ट के पास एक खेत में जा गिरा। इस भीषण हादसे में पोलिसारियों के 26 सदस्यों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पोलिसारियो पड़ोसी पश्चिमी सहारा की आज़ादी के लिए संघर्षरत समूह है, जिसका अल्जीरिया भी समर्थन करता है। हादसे का शिकार हुआ विमान टिडोफ जा रहा था, जो अल्जीरिया आने वाले हजारों शरणार्थियों का घर है। हालांकि अभी तक दुर्घटना की वजह का कुछ पता नहीं चल सका है। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि तेजी से शुरू हुए राहत और बचाव कार्य में भी किसी को बचाया नहीं जा सका। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के लिए गए फुटेज में रनवे के पास काले धुएं का गुबार भी देखा जा सकता है। फुटेज में जैतून के पेड़ों के ऊपर से विमान का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है और साथ ही मलबे से उठ रही लपटे और धुआं भी साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रूस में बना यह II-76 विमान दक्षिण पश्चिम अल्जीरिया के लिए रवाना हुआ था, जिसमें मिलिट्री जवानों के साथ भारी मात्रा में हथियार भी मौजूद थे।